आज हम बायर के नेटिवो फंगिसाइड के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। ये काम कैसे करता है, किन किन बीमारियों को फसल में कंट्रोल करता है, किस समय पर स्प्रे करना चाहिए, कितना इसका डोज होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बायर का नेटिवो जो फंगिसाइड है वो काम कैसे करता है। एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, ये पौधे के पूरी बॉडी में जाकर पौधे की जब बॉडी में चला जाता है तो ये उसकी बॉडी के अंदर से काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी फसल में कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो ये धान में सीड ब्लाइट, लीफ ब्लाइट और नेक ब्लाइट को कंट्रोल करता है। इसका आप धान में स्प्रे 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मिर्च में ये एंथ्रेक्नोज, लीफ ब्लास्ट, पाउडरी मिल्डी को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं गेहूं में, गेहूं में ये येलो रस्ट और पाउडरी मिल्डी को कंट्रोल करता है। टमाटर में ये सबसे अच्छा अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करता है और टमाटर में बैक्टीरियल ब्लाइट भी कंट्रोल करता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जब हम टमाटर यदि बारिश में स्प्रे कर रहे हैं टमाटर में, तो जब हम स्प्रे कर दें इसके बाद 2 से 3 घंटे तक बारिश ना हो। यदि बारिश होती है तो आपके पौधे की पत्तियों की जलने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये आम में पाउडरी मिल्डी कंट्रोल करता है और एंथ्रेक्नोज कंट्रोल करता है, लीफ ब्लाइट कंट्रोल करता है। और दोस्तों ये इसकी 100 ग्राम की करीबन कीमत होती है, 700 से 800 के बीच आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आप नेटिव फंगिसाइड का बीमारी आने से पहले भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बीमारियों तो कंट्रोल करता ही करता है और इससे एक ये बेनिफिट भी होता है, ये एक तो फल का चमक, फल का साइज भी डेवलप करता है और गेहूं में दाने का साइज, दाने की चमक भी बढ़ा देता है, इससे आपका उत्पादन बढ़ जाता है। करते हैं कौन सी फसल में कितना डोज लेकर स्प्रे करना चाहिए। तो नेटिवो का ज्यादातर 100 ग्राम प्रति एकड़ का डोज होता है। तो आप टमाटर में 120 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करवा दें और मिर्च में 100 ग्राम 150 लीटर में घोल बनाकर स्प्रे करवा दें। धान में 100 से 150 ग्राम 150 लीटर में घोल बनवाकर स्प्रे करवा दें। ध्यान रहे कि बीमारी यदि ज्यादा अटैक है तो ही 150 ग्राम लें और बारिश के समय में स्प्राइडर मिक्स कर ही स्प्रे करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।